काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में आप सीखेंगे कंपोजिशन डीलर से माल खरीदना और टेली प्राइम में उसकी जीएसटी रिपोर्ट देखना। पिछली वीडियो में हमने निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम बताएंगे कंपोजिशन डीलर से माल खरीदना, उससे माल खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और उससे की गई खरीद की जीएसटी रिपोर्ट कहां दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप जीएसटी की सभी वीडियोस एक ऑर्डर में देख सकें, उसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। वैसे तो हम आपको हमारी वीडियो नंबर 74 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में जीएसटी के बारे में डिटेल में बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में कंपोजिशन डीलर से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। जब कोई व्यापारी गुड्स या सर्विस का व्यापार करता है तो उसे सरकार को जीएसटी के रूप में टैक्स देना होता है और इसके लिए व्यापारी को अपने व्यापार के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर के हिसाब से दो प्रकार की स्कीम्स हैं, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम। यदि व्यापार छोटा है तो व्यापारी को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और यदि व्यापार बड़ा होता है तो व्यापारी को रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाता है उसे कंपोजिशन डीलर कहते हैं और जो व्यापारी रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाता है उसे रेगुलर डीलर कहते हैं। अब चूंकि हम एक रेगुलर डीलर हैं और यहाँ एक कंपोजिशन डीलर से माल खरीदने जा रहे हैं तो हमें कंपोजिशन डीलर से माल खरीदने के पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ये देख लेते हैं। पहली बात, कंपोजिशन डीलर केवल अपने राज्य में ही माल बेच सकता है। हाँ, वो अपने राज्य से और किसी दूसरे राज्य से माल खरीद जरूर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कि एक रेगुलर डीलर हैं, केवल अपने ही प्रदेश के कंपोजिट डीलर से माल परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, कंपोजिशन डीलर जो भी सेल करता है उस सेल पर वो ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता, यानी वो बिल में जीएसटी लगाकर गुड्स और सर्विस नहीं बेच सकता। उसे तो अपने व्यापार के अनुसार 1, 5 या 6% जीएसटी अपने पास से भुगतान करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी कंपोजिशन डीलर से माल परचेस करेंगे तो वो हमसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ध्यान रखें, कंपोजिशन डीलर जीएसटी वसूल नहीं कर सकता है और इस कारण से वो आपको जो बिल देगा उस पर टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखें कि जब हम किसी कंपोजिशन डीलर से माल खरीदते हैं तो वो हमसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करता, पर जब हम उससे खरीदा हुआ माल बेचते हैं तो हमें उस माल पर जीएसटी चार्ज करना होगा। इसका कारण ये है कि चाहे हमने किसी खरीद पर टैक्स दिया हो या ना दिया हो, एक रेगुलर डीलर की हैसियत से जब भी हम माल बेचेंगे तो जीएसटी लगा करके ही बेचना होता है। यहाँ हम आपको एक बिल दिखा रहे हैं जिसमें हमने 31 अगस्त को एक कंपोजिशन डीलर भारत एंटरप्राइजेस से 13,500 रुपए प्रति प्रिंटर के भाव से 2 प्रिंटर उधार खरीदे, जिसका बिल नंबर है 12। अब चूंकि भारत एंटरप्राइजेस एक कंपोजिशन डीलर है इसलिए बिल में यहाँ ऊपर टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ आ रहा है और नीचे जीएसटी भी नहीं लगा है। चलिए अब इस परचेस की एंट्री हम टैली में कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे। अब परचेस वाउचर के लिए F9 प्रेस करेंगे। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे।
यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ सप्लायर के इनवॉइस की डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में भारत एंटरप्राइजेस का नाम सेलेक्ट करेंगे जो कि बना हुआ नहीं है, तो पहले इसे क्रिएट कर लेंगे। अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। यहां एक बात का ध्यान रखें कि हम सिर्फ अपने प्रदेश के कंपोजिशन डीलर से ही माल खरीद सकते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं हम मध्य प्रदेश के डीलर हैं, और जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो भी हमारे प्रदेश का ही डीलर है। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे, यहां उसका जीएसटी नंबर टाइप करेंगे। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। यहां परचेज अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ आइटम में प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी में 2 टाइप करेंगे और रेट में टाइप करेंगे 13,500। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि हमने कंपोजिशन डीलर से माल परचेज किया है और कंपोजिशन डीलर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है, इसलिए यहां हमें जीएसटी के लेजर्स भी सिलेक्ट नहीं करना होते हैं, पर आपको समझाने के लिए हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, यहां कोई टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आया, जबकि अभी तक हम रेगुलर डीलर से माल खरीद रहे थे और उसमें टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाता था। इसका कारण ये है कि हमने जब पार्टी नेम में सप्लायर भारत एंटरप्राइजेस सिलेक्ट किया तो टैली ने अपने आप समझ लिया कि ये कंपोजिशन डीलर है और इस पर कोई टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा। आइए अब हम टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर भी कोई टैक्स शो नहीं हो रहा है। अब हम एस्केप की प्रेस करके वापस वाउचर पर आ गए हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर लेंगे। चलिए अब हम कंपोजिशन डीलर से की गई इस परचेस की जीएसटी रिपोर्ट जीएसटी R2 में देख लेते हैं। सबसे पहले पीरियड चेंज कर लेंगे। ये देखिए, यहां हमें निल रेटेड इनवॉइसेस दिखाई दे रहा है, पर उसके सब ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके लिए हम ऑल्टर के साथ F5 की प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही हमें निल रेटेड इनवॉइसेस के अंदर 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कंपोजिशन, एग्जम्प्ट, निल रेटेड और नॉन जीएसटी। चूंकि हमने कंपोजिशन डीलर से परचेस की है, इसलिए उसकी जीएसटी रिपोर्ट हमें कंपोजिशन में दिखाई देगी। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारे द्वारा की गई एंट्री यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम एक बार एस्केप की प्रेस करेंगे। कंपोजिशन के टैक्स अमाउंट में कोई टैक्स नहीं है, और चूंकि हमने कोई टैक्स नहीं दिया है तो इस पर हमें ITC भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना कंपोजिशन डीलर से माल खरीदने और टैली प्राइम में उसकी जीएसटी रिपोर्ट देखने के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।